कौन? जी राम राम गुप्ता इन, क्या हाल है, कैसे आना हुआ? मैं चीनी लेने आई थी। वो गुप्ता जी है ना, तो पता है यार कितनी चाय पीते हैं। चीनी खत्म होगी, थोड़ी चीनी मिल सकती है? हाँ बहन आ जा, तेरा ही घर है, जो लेके जाना चली जा। पांक। चीनी ले, सामान ले, सब्जी ले, सब कुछ तेरा ही, आ जा। ले बहन, इसमें थोड़ी चीनी लिया और अब जा ही रही है, तो तूने पता है ये अपना ही घर है, तूने खाया है। तो नींबू और ले, वो नींबू का ना रस बनाना है, मैं शिकंजी पीऊंगी। शिकंजी पीनी है इन्हें? शिकंजी आपका तो बर्गर रसना पी पी के इन्हें शिकंजी पीनी है। ले बहन तेरा शक्कर और तेरा नींबू। धन्यवाद बहन, पड़ोसी पड़ोसी का काम आता है आखिरकार। चलो मैं चलती हूँ। हाँ पड़ोसी पड़ोसी का काम आता है, हम ही काम आ रहे हैं सबके, वो तो काम आते नहीं हमारे। Oh no! देखो बहन जी क्या क्या हो रहा है जमाने में, और एक हमारा टाइम था। अरे भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बताती हूँ आपको यहाँ हो क्या रहा है। पांक। वो लौंडिया नहीं है एंजल प्रिया, उसकी बता रही हूँ। क्या किया उसकी लौंडिया ने ऐसा? भाई साहब आपको पता नहीं है? भाई साहब एक साल, पूरा एक साल लिविंग पर रही और शादी कहीं और करिए। बताओ बताओ कैसा जमाना आ गया, कार्ड दे गई है, नहीं तो मैं दिखा देती अभी, कार्ड लेके नहीं साथ में। क्या जमाना आ गया बहन जी, कहीं का ठिकाना और कहीं पे घर बसाना। हाँ भाई साहब आजकल के लोंडो लोंडिया ने था शर्म बेच खाई है। फन करते हैं, फन फन यो यो में, और स्टेटस लगाते हैं औसम। बताओ ये भी कैसा औसम है भाई, फन वहाँ और औसम यहाँ। भाई साहब यही तो फर्क है आपके अंकल और मेरे जासूस आंटी होने का। तो बात दरअसल ये है कि भाई साहब मैं ओयो में काम करती हूँ, योयो में, और यहाँ पे बहुत से कस्टमर्स आते रहते हैं, तो मुझे यहाँ पे अपडेट मिलती रहती है कि कौन क्या काम करता है। सब पता है मुझे, ये चाय चाबी लेके कमरों में जाते हैं, और पता नहीं कौन सा तारों का शहर है इनका, और पता नहीं कौन सी चांदनी रात है। हाँ पर हमें क्या बहन जी, शुक्र है हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हमें क्या किसकी लौंडिया किसका योयो, हमें किसी से लेना नहीं, हम चुगलियाँ नहीं करते किसी की। तो चलो ऐसी बात चली थी तो मैंने बता दी, बाकी हमें कोई चुगली करने का शौक नहीं है। बाकी देखो पागल औरत सारा तो हक दिया, अब कह रही मुझे क्या चुगली करनी। और अब मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, फेंकने के मामले में उन्होंने पीएचडी कर रखी है, या ये कहिए पीएचडी भी उनके लिए छोटी है, उन्होंने जेडएचडी कर रखी है। मिलिए हमारे नकली चौधरी से। अरे भाई कौशिक क्या हाल चाल? अरे ये कहाँ से आ गया, ओहो फिर पकाएगा अपनी लंबी लंबी फेंक के। अरे हाँ भाई हाँ आजा भाई आजा आजा, हुक्का लगा रखा है। अरे नहीं भाई तू बैठ, मैं अपनी गद्दी अपने साथ लेके आता हूँ। अरे क्या बात चौधरी, चश्मे पूरे गद्दी वद्दी, अरे क्या बात है ऐसी? अरे ना भाई ना, ये तो बस यूं ही है, हम दिखावा नहीं करते भाई, बेशक मेरे पास 40 किले हों, मेरे नौकर भी ना 12-12 आईफोन रखता है एक एक बंदा। हाँ भाई तेरे जैसा भला आदमी कहाँ मिलेगा, दिखावे का ना हो निशानी है तेरी बातों में। भाई कौशिक गाड़ी बहुत है, पर तेरे भाई का जो दिल है स्प्लेंडर पे आ गया है, 300 रुपए के तेल में मनाली होके आया तेरा भाई। ओह नो, स्प्लेंडर अपनी 300 के तेल में मनाली घूम के आया है? अबे 300 में तो दिल्ली टाप जाए वही बड़ी बात है, फेंक तो कम से कम इतनी जितनी हम लपेट सके, इतनी फेंक रहा है कि हम दबी जाए उसमें। अरे कुछ टिकटॉक हो गया। अरे ना भाई यार तुम्हारी तो बात ही अलग है यार, तुम 300 के तेल में भाई हिमालय गए यार, तुम तो भाई नेपाल भी जा सको। ठीक है भाई एक मिनट कौशिक भाई, तेरे भाभी का फोन आया है। डार्लिंग का फूफा बोलने के लिए फोन किया है, जो लोन पत्र गाड़ी और कार ले रखी है ना, oh no! किस्त वाला के फोन आ रहे हैं, फोन उठा ले, और नंबर भी मेरा दे रखा है। कैसा आदमी हो भाई तू, अरे बेवड़े दारू वत पी के आज ना बताऊंगी तेरे को दारू की, मैं बता रही हूँ किस टाइम पर दे ना, तो जितनी इतनी कोठी है ना, कोठा बनने में टाइम लगेगा। चल अब घर आ ले, कहाँ मर रहा है, कहाँ दे रहा है, जल्दी घर आ। क्या बात भाई चौधरी, भाभी का फोन था, घर पर सब ठीक था है? के घंटा ठीक है, डायन है डायन, खून भी रखा है साड़ी ने। हाँ हाँ कौशिक सब ठीक है, चल मैं जाता हूँ तेरी भाभी को शॉपिंग करा के ला रहा हूँ, इसलिए फोन आया था तेरी भाभी का। ठीक है चौधरी पहुँच भाई घर, तू करा भाई भाभी को शॉपिंग, हाँ तो आजकल की दुआया भाई बहुत गर्मी करा, जा भाई जा। अरे चौधरी एक बार रुकियो मेरा भाई, एक बीड़ी पे आते यार। बीड़ी बीड़ी तो ना है भाई, एक तो इतनी बड्डी बड्डी रहा था भाई, इस तरह बताना कहाँ का चौधरी, क्या घंटे का चौधरी है, एक बीड़ी ना है तेरे पर।